नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पांडे और स्वागत करता हूँ आपका क्रिकेट कीड़ा की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे एमएस धोनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमएस धोनी जो कि इंडिया की जीत के सबसे बड़े सूत्र हैं और भारत के वर्चुअल कप्तान हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं एमएस धोनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में और कैसे वो इंडियन टीम को सपोर्ट करेंगे इस बार विश्व कप 2019 में। दोस्तों, बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे प्लेयर हैं जो इंडियन टीम में जान फूंकते हैं। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली के बाद अगर भारत का कोई सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है तो वो रोहित शर्मा नहीं, महेंद्र सिंह धोनी है। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के रहने और ना रहने से क्या फर्क पड़ता है भारतीय टीम को, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर महेंद्र सिंह धोनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात की जाए तो बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं। अगर पहली स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो ये है कि वो बहुत ही कूल माइंडेड और बहुत ही प्रॉपर और सधी हुई क्रिकेट खेलते हैं। अपना विकेट देने की नहीं, रन लेने की कोशिश करते हैं। तो इसके आगे अगर बढ़े, अगर उनकी दूसरी स्ट्रेंथ की बात की जाए जो कि हम हर साल आईपीएल में देखते हैं, आखिरी ओवर में 20 रन भी धोनी के सामने कम लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, कितना भी बड़ा, कितना भी एक्सपीरियंस बॉलर हो, लेकिन अगर महेंद्र सिंह धोनी खड़े हुए हैं क्रीज पे तो उनके सामने वो बॉलर छोटा ही दिखता है। अगर ओडीआई क्रिकेट की बात की जाए तो दोस्तों, कई बार ऐसे मौके आए हैं जब महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी में अकेले भुवनेश्वर कुमार या रविंद्र जडेजा के साथ पार्टनरशिप करके इंडियन टीम को मैच जिताया है। तो दोस्तों, अगर तीसरी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो विकेट के पीछे इतने तेज हैं, इतने तर्रार हैं, कोई कैच नहीं छोड़ते, सारी स्टंपिंग्स एकदम क्लियर करते हैं। और धोनी रिव्यू सिस्टम के बारे में तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि एक बार अगर महेंद्र सिंह धोनी ने कह दिया कि हाँ ये हम रिव्यू लेना चाहते हैं तो वो तो फिर 200% आउट ही होता है। तो दोस्तों, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि महेंद्र सिंह धोनी को एक बहुत अच्छा प्लेयर बनाते हैं। और अगर पांचवें और आखिरी फैक्टर की बात की जाए तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। जी हाँ दोस्तों, वो एक कप्तान रह चुके हैं जिसने वर्ल्ड कप जिताया है 2011 में और 2015 में टीम को लीड किया था सेमीफाइनल की तरफ। तो दोस्तों, पिछले 2 साल में वर्ल्ड कप में इंडिया सिर्फ 2 मैचेस हारा है और इसका श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को पूरा का पूरा जाता है। तो दोस्तों, ये सारी स्ट्रेंथ थी महेंद्र सिंह धोनी की। अब दोस्तों, हम देखते हैं क्या एमएस धोनी की कोई वीकनेस है या उनको पार पाया जा सकता है मैचेस में। तो दोस्तों, अगर वीकनेसेस की बात की जाए तो एज सच कोई वीकनेस है नहीं महेंद्र सिंह धोनी की। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट बॉल में बड़े ही स्ट्रगल करते हैं इंडियन प्लेयर्स, लेकिन एमएस धोनी ने बहुत बार शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छे से टैकल किया है। तो दोस्तों, अगर वीकनेसेस के पोर्शन में दिया जाए तो मैं मारूंगा एकदम क्रॉस और कोई भी वीकनेस नहीं है हमारे एमएस धोनी की। तो दोस्तों, इसी बात पे आप लोगों से कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि धोनी की और क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या कोई वीकनेस है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में और क्या चांसेस हैं कि इस बार महेंद्र सिंह धोनी भारत को बैटिंग से वर्ल्ड कप दिलाएंगे। तो दोस्तों, आपको छोड़े जा रहा हूं एमएस धोनी के कुछ ओडीआई के बेहतरीन रिकॉर्ड्स के साथ। तो दोस्तों, इस रिकॉर्ड्स को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी आप बता सके कि एमएस धोनी कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं इस इंडियन क्रिकेट टीम के लिए और 2019 में वो कैसे वर्ल्ड कप जिता सकते हैं हमारे देश को।